नमस्कार, मैं यश खुराना। जब बात कावड़ की हो तो जहन में सबसे पहला सवाल यही उभरता है, यही पनपता है कि कैसे ये कावड़िए किस तरह से अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अपने उस जज्बे का परिचय देते हुए कैसे इतनी लंबी यात्रा को मुकम्मल कर लेते हैं, कैसे इस सफ़र को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब बात कावड़ियों की हो रही हो और ऐसे में उनकी तीर्थ यात्रा की बात ना हो तो बड़ा बेमानी सा लगता है। आपको बता दें कि ये कावड़िए तकरीबन अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते हैं। अगर शिव की भक्ति देखनी हो तो इन कावड़ियों को देखो, किस तरह से नाचते झूमते ये कावड़िए भोले की मस्ती में मग्न है। ना दुनिया का पता, ना देश भर में चल रही हलचल का, बस एक बात का पता है कि भोले की मस्ती में झूमते हुए यात्रा पूरी करते हुए अपने शिविर में पहुंचना है, क्योंकि कल जलाभिषेक है और ऐसे में सभी कावड़िए अपने स्थानीय शिविरों में पहुंचने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वजीरपुर शिविर में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वह दृश्य दिखाए कि किस तरह से शिविरों पर पहुंचने लगे हैं कांवड़िए, और आप देख सकते हैं सारे मौज मस्ती कर रहे हैं। और यहां पर ये जो शिविर है दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित है और यहां पर कई अन्य सुविधाओं से भी लैस है। आइए बात करते हैं यहां पर यहां के अधिकारी से कि यहां पर किस तरह की सुविधाएँ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दवाइयों का भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है, मेडिकल जो किस तरह से जो तस्वीर है पूरी तरह से उसका भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर अन्य अन्य प्रकार की दवाइयाँ पड़ी हैं। आइए यहाँ पर जो बैठे जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर इस शिविर में मौजूद हैं। जी, आपका नाम? ये नरेश गुप्ता। इस शिविर में क्या क्या सुविधाएँ मौजूद हैं? जी, इस शिविर में हमने अपने 6 CCTV कैमरे लगा रखे हैं और खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया सी फर्स्ट एड का पूरा इंतजाम कर रखा है और हमारे वॉलेंटियर लगे हुए हैं, आग बुझाने की मशीनें अपने वो लगा रखे हैं हमने, यानी कि जो सुविधा होनी चाहिए वो हमने पूरी कर रखी है। बाकी ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने टेंट लगा के दिया है हमारे को, इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है जी, जब मैं वहाँ कांवड़ लेने गया था शुरू में तो मेरे को इतनी कठिनाई आई कि मैं कुछ ज़्यादातर मैं कह नहीं सकता, छाले हो गए पैर में और बुखार आ गया, खांसी जांगे लग गई काफी तेज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली कैंप में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे का दृश्य किस तरह से भोले की मस्ती में मग्न है पूरी तरह से, और ये विशाल कावड़ लेके आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वह दिखाएं कि किस तरह से इतनी बड़ी कावड़ है, विशाल कावड़ है जो लेकर आ रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, इन कावड़ियों से कि ये कावड़ी कहाँ से लेकर आ रहे हो, इनको यात्रा करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए बात करते हैं जी, आप बताइए कि किस तरह से मतलब ये जो कावड़ यात्रा है आपकी कितने समय में पूरी हुई? ये टोटल 10 दिन में। तो ये बताइए लाए कहाँ से है ये कावड़? ये कावड़ हरिद्वार से वजीरपुर। मतलब 10 दिन लग गए आपको, आप कितने समय जा रहे हैं सभी? समझदार, 3 साल हो गए सबको। आपको कितना समय हो गया? मेरे को हो गया 10 साल हो गए मेरे को। और आपको कितना समय हो गया? जी 5 साल मुझे हो गए। मतलब 5-10 साल मतलब सभी मतलब ला रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 18। आपकी उम्र कितनी है? 21। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सारे मिलके दोबारा भोले की जयकारा लगा दीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। तो हम चल पड़े हैं किस तरह से, आप देखा कि किस तरह से पूरी तरह से भोले की मस्ती में मग्न है ये जो विशाल कावड़ है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से कावड़िए जो है पूरी तरह से भोले की मस्ती में मग्न है।